किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी भी बैंकॉट्स में जाते हैं, तो सबसे पहले आपकी चॉइस रहती है एक सूप की, और ना जाके भी आपके सामने सबसे पहले आता है टमाटो सूप। सो टमाटो सूप बहुत ही अच्छा होता है, और आप हमेशा ये सोचते हैं क्यों ना यही टमाटो सूप हम घर पे बनाएं, और बिल्कुल वैसे ही बने जैसे कि होटल्स में और रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है, बिल्कुल वही फ्लेवर, वही स्ट्रक्चर, वही थिकनेस। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए वही टेस्ट बिल्कुल वैसा ही मैं आपके लिए बनाऊँ। सो वैसे ही सूप अब जल्दी से हम अपने घर में ट्राई करते हैं। सो फ्रेंड्स, कुकिंग फटाफट बाय शेफ दीपक में आप सभी का स्वागत है। सो सबसे पहले नोट कीजिए इसके इंग्रेडिएंट, और फिर बाद में हम देखेंगे हम इसे कैसे बनाएं। फ्रेंड्स, टमाटो सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होते हैं अच्छे क्वालिटी के टमाटर। आप हाइब्रिड टमाटर यूज कर सकते हैं। टमाटर थोड़ा लाल होना चाहिए, सो हम इसी तरह के लाल लाल टमाटर मार्केट से छाट के लेके आएंगे। मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। उसके बाद में, क्योंकि हम प्रिजर्वेटिव कोई भी यूज़ नहीं करेंगे, इसकी वजह से हम इसके अंदर यूज़ करेंगे बीट रूट। प्याज यूज़ करेंगे, ये ऑप्शनल, ये भी सूप को थोड़ा मीठापन देगा, जिसकी वजह से हमें शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी ऑप्शनल है, आप इसे एज ए ऑप्शनल समझिए। अगर आपको इसे हटाना है, रिमूव करना है, तो यू ईजिली रिमूव इट। प्लस हम इसमें यूज़ करेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन की कुछ कलियाँ, और खड़े मसाले के नाम पर हम इसमें यूज़ करेंगे काली मिर्च और दो तीन तेज पत्ते। हाँ, याद रखें कि साबुत ही तेज पत्ते लें, क्योंकि बाद में जब हम टमाटो सूप बनाएंगे, उसको पीसेंगे, तो हमें इसे इजीली निकाल लेना है। और थाइम आप देखेंगे कि ये भी ऑप्शनल है, लेकिन हम थाइम यूज़ करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। या फिर आप इसमें धनिया की जड़ भी डाल सकते हैं। अब हम टमाटो सूप के लिए सारे टमाटर काट लेते हैं। आप पहले इसकी ये आंख निकाल लेंगे, और 1x4 टमाटर ऐसे ही हाथों में काट लें। आपको चॉपिंग बोर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें दरदरा टमाटर चाहिए, मोटा कटा हुआ चाहिए, क्योंकि हमें इसका सूप बनाना है, कोई चॉप वगैरह नहीं करना है। और इसी तरह आप हाथ पे ही सारे टमाटर काट लें। मैंने बाकी टमाटरों को पहले से ही इनकी आंख निकाल के रख दी थी। मैंने पहले से ही टमाटरों को कुछ साफ करके रख दिया था। सो इसी तरह आप भी सारे टमाटर जल्दी जल्दी काट लें। आप देखेंगे कि आधा किलो टमाटर एक मिनट में कट गए। कुछ ही सेकंड लगते हैं, आपका सूप तैयार हो जाता है। आप देखेंगे इसी तरह डायरेक्ट इसमें प्याज काटेंगे। 1x4 हम प्याज काट रहे हैं, और इसी तरह इसमें बीट रूट भी इसी तरह आप काट के इसमें डक डाल लेंगे। आज हम सूप बनाएंगे कुकर में, क्योंकि अगर आप सूप को किसी सिल्वर के पतीले में या पीतल के पतीले में बनाते हैं, तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फिर आप फाइनली वो सोचते हैं कि यार टेस्ट अच्छा क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले हम डालेंगे बटर। सो बटर हमने डाला है लगभग 2 टेबल स्पून। अमूल बटर लीजिए, टेस्ट और अच्छा आएगा, और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल भी हमने लिया है 2 चम्मच। आप ऑयल बटर कम ही डालें, क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो अगर जब हम सूप फाइनली बनाएंगे, तो सूप के ऊपर बटर तैरता हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसी वजह से आप लिमिटेड ही डालें। उसके बाद में हम डालेंगे काली मिर्च, तेज़पत्ता, हल्का सा इसे भून लेते हैं। थोड़ी देर भूनेंगे तो इसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां काट के रखी हैं। ज़्यादा नहीं करना है, अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, और फाइनली ये अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरह आप इसे सारे टमाटर, प्याज सब इसमें इसी तरह डायरेक्टली डालें। कुकर में बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो फटाफट बन जाता है, दूसरा जो इसके विटामिन्स हैं ये भी नहीं उड़ते, क्योंकि अगर आप किसी खुले यूटेंसिल में बनाएंगे तो जल्दी उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर हो जाता है। तो इसी वजह से ऐसी कुकर में बनाएं, और थोड़े सा इसको भून लें, क्योंकि थोड़ा सा अगर इसे भूनेंगे थोड़ी रोस्टिंग इसमें आ जाएगी, हमारे सूप का टेस्ट और भी अच्छा होगा। हम कटा हुआ अदरक और लहसुन डालना भूल गए थे, इसलिए हम इसे ऊपर से डालेंगे। 1 चम्मच करीब हम इसमें सॉल्ट भी डाल देंगे, इसे
हम भूनेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छे तरीके से ये भुन रहा है। हमेशा थोड़ा पहले भून लें, हल्का सा इसमें पानी डाल लें, अब इसे भुने। देखिए दोस्तों बिल्कुल भुन गया है, आप यकीन करेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। अब इसमें हम धनिया की जड़ भी डालेंगे, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के टाइम पे दिखाया था वैसे ही डालेंगे, और थोड़ा सा थाइम। फिर मैं बता रहा हूँ ये ऑप्शनल है, इसे अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा है, अगर ये इजीली नहीं मिलता तो ना ही डालें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसी तरह एक बार इसको हिलाएं और इसमें एक गिलास करीब पानी डाल दें। आप देखेंगे कितना पानी है इसमें, और उसके बाद में हम इसको इसका ढक्कन लगा देते हैं, और इसको कम से कम 2-3 सीटी लगाएंगे और टमाटर हमारे मैश हो जाएंगे, और हम इसके बाद में हम इसके अगले प्रोसेस पे जाएंगे और इसको छानेंगे। 2-3 सीटी के बाद में अब हम इसे चेक करेंगे, आप देखेंगे टमाटो बिल्कुल भुन गए हैं। अब हम इसे छानेंगे, अब हम सूप को छानेंगे। आप भी इसी तरह छाने, ऐसे ही एक बॉल ले लें और बॉल के ऊपर ऐसी एक स्ट्रेनर लगा लें, और इसी तरह सारे सूप को छान लें। और ये जो पत्ते हैं जैसे मैंने आपको बताया था इन्हें निकाल लें, आप देखेंगे सारा सूप आराम से इसी तरह छन जाएगा। आप देखेंगे हमने इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, सारा जूस हमने निकाल के एक तरफ किया है। अब हम बचे हुए जूस को भी ऐसे साइड में निकाल लेंगे, और जितना भी बचा हुआ हमारे पास में इसका एक्स्ट्रा माल है, हम इसे सारे को एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सचर ठंडा हो चुका है, आप इसे कभी भी गरम गरम ना पीसें। अगर गरम पीसेंगे तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्टीम होने की वजह से आप इसे ढक्कन लगाएंगे, और ढक्कन लगाने के बाद में कई बार ढक्कन छलक जाता है। सो इससे बेटर है कि आप इसे ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद ही आप इसको मिक्सी में पीसें। सो फ्रेंड्स अब हम सूप की फाइनल प्रिपरेशन पे जाएंगे। अब देखेंगे कि हमने सारे सूप को एक बर्तन में हमने डाल लिया है, और जो हमने मिक्सी में ग्राइंड किया था वो भी हम इसमें डायरेक्टली डाल लेंगे, क्योंकि हमने इसको भी डालना है। इसकी वजह से हमें फाइनली एक बार इसको स्ट्रेन करना पड़ेगा। कोई भी वेस्टेज दिखाने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह सारे सूप को बिल्कुल अच्छे से मिक्सी के जार से निकाल लें, और एक बार इसे पका के इसी कंसिस्टेंसी चेक करके एक बार और इसको स्ट्रेन कर लें। पहले एक बार फाइनली इसको थोड़ा सा उबाल लें, आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा कलर आया। ये सब बीटरूट की वजह से, कोई भी हमने इसमें कलर यूज नहीं किया, हमने सेकेंड टाइम स्ट्रेन करके इस तरह हम इसको दोबारा से एक कढ़ाई में डाल लेंगे और हम इसको फाइनली टच देंगे। आप देखेंगे इतना सारा इसमें एक्स्ट्रा निकला है, अगर हम ये भी पीस देते तो क्या होता कि ओवर पावर्ड हो जाता, ज़्यादा मसाले हो जाते, तो इसलिए हमने इसको निकाल लिया है। इसको हाँ वेस्ट नहीं करेंगे आप, इसको कल को अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं, जब आपको कुछ भी आपको लगता है कि हमें सब्जी बनानी है या फिर दाल में तड़का मारना है, तो आप इसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। सो आप इसको इस तड़के को उसमें यूज़ कीजिए। सो आप देखेंगे और थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इसको में उबालने देंगे, उसके बाद में हम इसको सेट करेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के पका लेते हैं, और ताकि ये थोड़ा जल्दी बन जाए, और इतनी देर में हम क्रोटन्स बना लेते हैं। फ्रेंड्स क्रोटन बनाने के लिए हमने तवा लिया है, आप इसी तरह एक तवा ले लें और आराम से ब्रेडों को इस तरह लगाएं। आप देखेंगे कि ब्रेड हल्की हल्की सिकने लग जाएगी। हमें ब्रेड को टोस्ट करना है बेसिकली, अगर आपके पास टोस्टर है तो आप टोस्टर यूज़ कर सकते हैं। हम तवा यूज़ कर रहे हैं ताकि जो चीज़ अवेलेबल हो उसमें आप इजीली बना सकें, यह ना कह पाएँ कि भाई हमारे पास टोस्टर नहीं था तो हम लोग क्रोटन्स यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह आप इसे बनाएं,
अगर आपके पास में घर में कॉम्बी ओवन है तो कॉम्बी ओवन में डालें, फ्राई नहीं करें। अगर फ्राई करने से क्या होता है, कई बार ब्रेड काफ़ी ज़्यादा ऑयल एग्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्रोटोन्स अच्छे नहीं बनते हैं। सो आप भी इसी तरह बनाएं, एक तरफ सूप बन रहा है, एक तरफ आप जल्दी से अपने ब्रेड से ऐसे ही क्रोटोन्स तैयार कर लें। आप देखेंगे ब्रेड्स पर कलर आ गया है, हल्की हल्की ब्रेड रोस्ट हो गई है। इसी तरह ब्रेड रोस्ट होनी चाहिए। अभी आप इसे तवे पर से उतारेंगे नहीं, इसको इजीली ऐसे ही बंद कर देंगे और 2 मिनट तवे पे छोड़ देंगे ताकि यह और क्रिस्पी हो जाए। आप देखेंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, फाइनल टच देते हैं। आप देखेंगे सूप थोड़ा सा पतला है, थोड़ा थिक होना चाहिए, तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर को हमने पहले से थोड़ा सा घोल के रखा है, हल्का सा 2 चम्मच आप या 1 चम्मच आप कॉर्नफ्लोर लें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठंडे पानी में से घोलें, कभी भी गर्म पानी में ना घोलें, कॉर्नफ्लोर कभी नहीं घुलेगा। और इस तरह इसको आप हिलाएंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर थिकनेस आ जाएगी। आप देखें थिकनेस आनी चालू हो गई है। तो इसी तरह आप भी इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिलाएं। सर्व करने से पहले एक बार सीजनिंग जरूर चेक करें, और सीजनिंग चेक करने के बाद में अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सॉल्ट कम है, हल्का सा शुगर ऐड करना है, क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा हमने इसमें शुगर ऐड नहीं किया है। सो अगर आपको लगता है कि हमारा सूप थोड़ा सा खट्टा लग रहा है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हमें इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना पड़ेगा। सो हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच शुगर डाल लेते हैं और बस इतना ही काफ़ी है। हमने सॉल्ट पहले ही डाला था तो इसमें सॉल्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमारा सूप बिल्कुल तैयार है। आप देखेंगे बिल्कुल सूप तैयार है। आप इसे हम पहले सर्व करेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, सूप बिल्कुल तैयार है। आप देखेंगे कितना अच्छा इसका कलर आया है, बिल्कुल रेड, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी कलर डाले। आप देखेंगे बहुत ही सुंदर और बहुत ही टेस्टी ये बना है। अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निश करेंगे, थोड़ा सा क्रीम जरूर ऐड करेंगे गार्निश के लिए, और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 पीस क्रोटन्स, और हम थोड़े से क्रोटन्स अंदर भी इसमें इस तरह डालेंगे। आप देखेंगे कितना अच्छा बना है। अब आप इसका गरम गरम इंजॉय करेंगे। दोस्तों, सूप बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल गार्निश के साथ में आप देखेंगे, और साथ में क्रोटन्स भी डाल दिए, क्रीम भी हमने इसमें ऐड कर दी है। आप भी इसी तरह और क्रीम में डालेंगे और इसका भरपूर मज़ा लेंगे। खुद भी पिए, घर में ही बना के पिलाएं, और मिल्टो में बना लें। बिल्कुल वही टेस्ट जो आप होटल्स में ढूंढते हैं, आप चाहते हैं कि वही टेस्ट आप घर पर बनाएं, तो ईजी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए इस सूप का। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आज की वीडियो हमने कितनी जल्दी और आसानी से बना ली, बिना कोई कलर डाले, बिना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किए, बहुत सिंपल तरीके से हमने टमाटो सूप बना लिया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि ये इजी आसान रेसिपी सारे देखें और अपने घर में ही होटल जैसा और रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट लें। Oh,